तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ना रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से गोएन क्लासिक 350 नाम से एक न्यू जो नेम है ना तो वो रजिस्टर किया गया है। और वैसे भी दोस्तों ये जो नेम है ना तो इसको लेके बोला कुछ यही जा रहा है कि आज से कुछ ही दिनों पहले जो एक न्यू बाइक को दिखा गया था टेस्टिंग होते हुए रस्ते के ऊपर, तो वो जो बाइक है ना तो वो ही एक 350cc के अंदर न्यू गोएन 350 जो है तो वही कुछ नाम से आने वाला है, या फिर गोएन क्लासिक 350 नाम से जो है तो वही आने वाला है। तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले एक न्यू खबर सामने आया है कि ये जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है ना तो इनके तरफ से गोएन क्लासिक 350 नाम से कुछ एक न्यू नाम जो है तो वो रजिस्टर किया गया है। वैसे दोस्तों ये जो न्यू नाम है ना गोएन क्लासिक 350 तो इसको लेके बोला कुछ यही जा रहा है कि आज से कुछ ही दिनों पहले जो एक न्यू बाइक को देखा गया था ना रस्ते के ऊपर चलते हुए, तो वो जो बाइक है ना तो उसका ही नाम गोएन क्लासिक 350 जो है तो वही कुछ रहने वाला है। वैसे दोस्तों ये तो एक रूमर है, लेकिन हाँ अगर हम लोग बात करें सचमुच के ही गोएन क्लासिक 350 के बारे में तो इस वाले बाइक के भी 99.99% ऐसा ही कुछ चांसेस है कि एक जो 350cc वाला इंजन देखने को मिलेगा ना तो ये भी एक ऑयल कूल प्लस एयर कूल वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि भाई मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करने वाला है ना तो वो भी 20.2 bhp के अंदर का होने वाला है, ऐसा ही अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके ही साथ ये जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ना तो वो भी 27 Nm के अंदर जो है तो वही कुछ रहने वाला है। बाकी दोस्तों अभी ग्रिड में यही कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो गोएन क्लासिक 350 वाला बाइक है ना तो इसके साथ में आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट जो है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा, ऐसे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल ABS का ऑप्शन। और इसके ही साथ ये भी है कि जो न्यू गोएन क्लासिक 350 वाला जो मॉडल होने वाला है ना तो उसके भी अंदर आपको LED लाइट्स का जो सेटअप है तो वही कुछ देखने को मिलेगा। बाकी है ये जो बाइक है ना तो ये भी एक क्लासिक फील के साथ में आने वाला बाइक होने वाला है, जो कि महाराजा टाइप का जो फील है ना तो वो आपको दे देगा। बाकी है यही कुछ सीन है कि ये जो गोएन क्लासिक 350 वाला मॉडल है तो इसके अंदर आपको एक और भी चीज देखने को मिलेगा, जो कि है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे कॉयल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स। और इसके अलावा तो वैसे ये भी कुछ बोला जाए कि ये जो गोएन क्लासिक 350 वाला बाइक है ना तो इसके अंदर भाई मोस्ट प्रोबेबली यही कुछ चांसेस है कि जो सिंगल सीट वाला ऑप्शन है ना तो वही कुछ देखने को मिलेगा। हाँ ये भी कुछ सीन है कि भाई एक्सेसरी के रूप में जो डुअल सीट वाला जो ऑप्शन है ना तो वो भी कुछ आप लोग पा सकते हो, मतलब ये भी कुछ अभी एक्सपेक्ट ही किया जा रहा है। और इसके अलावा मीटर कंसोल में भी जो एनालॉग प्लस डिजिटल वाला जो कॉम्बिनेशन है ना उसके ही अंदर अंदर जो मीटर कंसोल का सेटअप है तो वही कुछ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ऑडोमीटर ट्रिप मीटर से ही लेके एक्सपेक्ट कुछ यही किया जा रहा है कि जो गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर और इसके ही साथ जो ट्रिप मीटर वाला जो सीन है तो ये सारा कुछ चीजें देखने को मिलेगा। बाकी गोएन क्लासिक 350 के अंदर जो अलॉय व्हील्स का सेटअप है ना तो उसका चांसेस के बारे में पता नहीं, लेकिन भाई स्पोक व्हील्स वाला जो सेटअप है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। तो यही है दोस्तों गोएन क्लासिक 350। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो गोएन क्लासिक 350 वाला मॉडल है ना तो इसके अंदर क्या और कुछ अगर रॉयल एनफील्ड कंपनी दे देगा तो आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन लगेगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।